మరోవైపు రాయ్పూర్లో చికిత్స పొందుతున్న జవాన్లను పరామర్శించారు ఛత్తీస్గఢ్ సీఎం రమణ్ సింగ్. బాధితులతో మాట్లాడి ఘటన ఎలా జరిగిందో వివరాలు తెలుసుకున్నారు. బ్రిడ్జి నిర్మాణ పనులు చేస్తుండగా ఈ దాడి జరిగినట్టు చెప్పారు. దీనిపై ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించిన రమణ్ సింగ్, ఘటనపై ఎప్పటికప్పుడు కేంద్రం హోంశాఖకు సమాచారం అందిస్తున్నామన్నారు. दोनों तरफ से रोड ओपनिंग पार्टी हमारी जहाँ ब्रिज बन रहा है बुरकापाल से निकल के वहाँ पहुंचे थे और वापसी में फिर एम्बुस लगा, एक साइड एम्बुस लगा और आगे से पीछे तक फायरिंग हुई. इन लोगों ने भी फायर किया. कुछ लोग जो यहाँ घायल हैं उन्होंने कहा कि हमने अभी मारा है और फिर कुछ जवान जो घायल थे उनको लेके लौटते समय भी फायरिंग हुई. इन लोगों ने काफी उस पूरे क्षेत्र में ऐसे भी सुकमा जिला और सुकमा जिला का चिंतालाट, चिंता गुफा, बुरकापाल ये उनके लिए भी खंदक की आखिरी लड़ाई है और वहाँ के सड़क पुल के बनाना इसमें हमारे जवान करीब करीब लगातार जाते हैं और ऐसे एम्बुस में जब कंटिन्यूस एक रोड भी जाते हैं तो ये परेशानी होती है. पर इसके बाद भी मुझे लगता है कि उस क्षेत्र में हम काफ़ी सड़कों का निर्माण किए हैं. आगे यही चिंता है कि कम से कम कैजुअल्टी हो और हमारे जवान आगे बढ़ के न केवल वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी और बाकी क्षेत्रों में भी काम करें. तो यहाँ इको भी ऑपरेशन चल रहा है. बाकी तीनों की स्थिति मुझे लगता है ये तीनों ठीक रहेंगे और इनके कोई गंभीर रूप से इंजोर नहीं है. ఎన్కౌంటర్లో కొందరు మావోయిస్టులు కూడా చనిపోయారని చెప్పారు ఛత్తీస్గఢ్ డీజీపీ. అయితే ఎంతమంది చనిపోయారు అనే విషయంపై ఇప్పుడే స్పష్టత రాలేదని చెప్పారు. काफी नक्सली मारे गए हैं. ऐसा जो घायल जवान है वो बता रहे हैं, जो जो जिनको जैसा उन्होंने मारा है वो अभी बता रहे हैं. तो निश्चित रूप से जो शहीद हुए उन्होंने भी मारा होगा. तो इस तरह नक्सलियों को भी काफी नुकसान हुआ होगा. सर, कुछ वेपन्स भी लूटने की खबर है? वेपन्स के लूटने की पूरी जानकारी तो नहीं आई है, पर चूंकि शहीद हो चुके हैं लोग और हमारी फोर्स बाद में पहुंची है तो ऐसा आशंका है कि वेपन्स भी लूटे गए होंगे. मोटार वोटार को उपयोग किए थे, लांचर वांचर लाए थे नक्सली, इस तरह की बात है? महिला नक्सली भी इसमें थी, ऐसा कुछ बात नहीं? अभी पूरी डिटेल जानकारी नहीं आई है. जो भी जानकारी मिलेगी वो घायलों से बात करने पर ही मिलेगी. अभी सारे घायलों से बात भी नहीं हो पा रही है क्योंकि कुछ आईसीयू